श्री राम, ये मेरा क्रोटन का प्लांट है। इसमें आप देख रहे हो ये लीव्स येलो हो गई हैं। इसको ना डिजीज़ हो गई थी मेरे प्लांट को, ओवर मॉइस्चर की वजह से, और अंदर रख लिया था मैंने इसे अपने बैकयार्ड में। वहाँ पे लाइट आ रही थी लेकिन सनलाइट नहीं मिल रही थी। हम बोलते हैं ना कि ये इंडोर प्लांट है, या कोई भी प्लांट जैसे एरिका बाम है, या फिर हम बोलते हैं कि रबर प्लांट है, आप उसे अंदर रख सकते हो, या कई सारे प्लांट्स को हम नाम कर देते हैं ना इंडोर प्लांट। तो इंडोर प्लांट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, हर प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसकी मैंने लीव्स ट्रिम कर ली, अब आप देख रहे हो कितना हेल्दी लग रहा है। यहाँ पे जितने भी अभी पीछे कल आंधी तूफान आया था, तो जो पत्तियाँ उड़ के आती हैं या इन पौधों के फूल पत्तियाँ जो गिर जाती हैं, इनको आप बीन लिया करें, नहीं तो इससे फंगस लग जाती है। ये सिंगोनियम का प्लांट है, एरोहेड भी बोलते हैं इसको। इसके एक या दो कटिंग लेते हैं हम। ये वो वाली लीव है जिससे मैंने ये पूरा प्लांट प्रोपोगेट किया था। तो आज इस लीव को मैं काटूंगी और इसको फिर हम पानी में लगाएंगे। मैंने आपको बोला था ना कि मैं बताऊंगी कि कौन से प्लांट्स हम वाटर में लगा सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। तो ये दो पत्तियाँ ली हैं मैंने, जिससे कि एक नहीं चलेगी तो दूसरी तो चलेगी। और ये मेरा पर्पल हार्ट प्लांट है, उसको भी मैंने कटिंग से लगाया था। ये सिंगोनियम है, और ये पोथोस भी बोलते हैं इसको, मनी प्लांट भी बोलते हैं इसको। तो ये कितना सुंदर लग रहा है, आप देख रहे हो। और ये प्लांटर है वाइट कलर का और ग्रीन कलर का, ये मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड है, उसने दिया था। ये लेवेंडर है, छोटी सी कटिंग रखी है मैंने लेवेंडर प्लांट की। इसकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी फ्रेश बर्ड्स आ रही हैं, लीव्स आ रही हैं ना मनी प्लांट की। तो ये मैंने किचन में अपने थोड़े से प्लांट्स रखे हुए हैं, जिससे कि मुझे अच्छा लगे। चलो फिर बनाएं हम नाश्ते की तैयारी करेंगे आज। तो आज नाश्ते में है पोहा। मैंने मस्टर्ड ऑयल में राई डाला, आलू प्याज और मिर्च काट के डाल दी, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली ऊपर से। लाल हो जाती है कसूरी मेथी तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है उसकी। थोड़ा सा चलाया, फिर हल्दी डाली, नमक डाला और धनिया पाउडर डाला। फिर पोहा ना वॉश करके डालते हैं हमेशा, इसे सोक नहीं करना पानी में, नहीं तो ये फ्लैट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ना मिंस्ड हो जाएगा। तो दीज आर नोन एज फ्लैट राइस ऑल्सो, कोई पोहा बोलता है, कोई चिड़वा बोलता है। थोड़ी देर इसको मिक्स किया मसालों को, आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, सॉस भी डाल सकते हो। ये मैं डाल रही हूँ इसमें दूध, थोड़ा सा 2 चम्मच कच्चा दूध या पका हुआ दूध, बॉइल्ड कोई भी आप डालोगे। देखो पोहा कितना सॉफ्ट बना है ना, 2 चम्मच दूध डालने से पोहा बहुत सॉफ्ट बनता है, ज़रूर ट्राई करना। दूध डाल के ढक लेना और फिर 1 मिनट के बाद गैस बंद कर देना। फिर आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नींबू डाला, बाकी प्याज टमाटर खीरा जो भी आपको सैलेड डालना है, थोड़े से पीनट्स डालें और थोड़ी सी नमकीन डाल दी आपने, बस रेडी हो जाएगा आपका पोहा। इसे गर्मा गर्म सर्व करो या ठंडा भी खा सकते हैं। ये पूरे दिन आपका फ्रेशनेस बनी रहेगी और सॉफ्ट रहेगा पोहा दूध डालने से। ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करना आप, 2 चम्मच दूध डालना, वही बहुत अच्छा लगेगा आपको। चले थोड़ा सा काम शुरू करें। मैंने नीम के पत्ते धो के धूप में रख दिए थे सुखाने के लिए। नीम कड़वी वाली है ये, और ये बहुत काम आती है, स्टीम भी कर सकते हैं, गागल भी कर सकते हैं, ऑयल में डाल के सर पे भी लगा सकते हो। लेकिन मैं क्या करूँगी ना, इसको पाउडर बना के रख लूँगी, उससे मैं फेस पे भी लगा सकती हूँ, हेयर में अगर हीना के साथ मेहंदी के साथ डालना हो तब भी डाल सकती हूँ, नहाने के पानी में डालना हो तब भी डाल लो। इसका स्प्रे कर सकते हो आप अपने प्लांट्स पे, जिससे कि इंसेक्ट्स मॉस्किटोज कुछ भी ना आए। थोड़े गीले हैं, थोड़े सूखेंगे फिर पाउडर बनेगा इसका। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन ये नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। आज लंच में भिंडी बनाएंगे। मस्टर्ड ऑयल में भिंडी चॉप करके डाली, प्याज और आलू छोटा छोटा चॉप करके डाल दिया, गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा सॉटे किया, बस आलू गल जाए इतना हमें ध्यान रखना है। फिर हींग डाला, अमचूर डाला या चाट मसाला,
पे धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और भुना हुआ जीरा, हो गया। खाना जितना सिंपल होता है उतना ही डाइजेस्ट करने में इजी रहता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि खाना भी सिंपल हो और लाइफस्टाइल भी सिंपल हो, तो फ्लोर पे बैठ के ही खाना प्रेफर करती हूँ हमेशा।